हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी नर्सिंग गार्डन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, केजीएमयू का आप एग्जाम देके आ चुके हो और केजीएमयू का एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा अपन ये नहीं कह सकते कि ईजी, जैसा कि स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए हैं। ऐसा होता है ना कि एग्जाम देके अपन निकलते हैं तुरंत अपन को ऐसा लगता है कि यार एग्जाम बहुत ईजी आया है, हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। जैसा कि इसमें जो मेन भूमिका निभाने वाले हैं वो निभाने वाले हैं 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। तो गाइज बात करते हैं केजीएमयू के पूरे ऑल ओवर व्यू पे, क्या कट ऑफ रह सकती है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्या प्रोस्पेक्ट रह सकते हैं, कितने बच्चों ने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और किस हिसाब से हम अपना कंक्लूजन क्रिएट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं केजीएमयू एग्जाम को लेकर। तो देखो गाइस, केजीएमयू एग्जाम में 60-40 का रेशियो था, 60 क्वेश्चन नर्सिंग के और 40 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इंग्लिश ने कवर कर लिए, कुछ रीजनिंग ने, कुछ जीके ने, कुछ मैथ ने, ठीक है। उसके बाद अपना आता है कि 60 क्वेश्चन नर्सिंग है वो कैसे थे। हाँ, मैं कहता हूँ कि 60 क्वेश्चन ईजी थे, बिलो एवरेज, इवन मैं एवरेज भी नहीं कहूँगा उनको, बिलो एवरेज क्वेश्चन थे। बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट किए और बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए लोगों ने। अब आता है पोर्शन अपना नॉन नर्सिंग का, क्योंकि जो अपने मेडिकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी हैं, उन सभी के लिए नॉन नर्सिंग पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे क्वेश्चन कितने ही ईजी हों गाइज, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स पहले बताए हुए भी थे किन किन टॉपिक्स पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, अगर उन टॉपिक्स को आप देख कर गए होंगे तो गाइज तो आप लोगों को जरूर से जरूर हेल्प मिली होगी। बाकी हम बात करते हैं नॉन नर्सिंग पार्ट को लेके। तो गाइज देखो, इंग्लिश थोड़ा सा ठीक था, उसके बाद अपना रीजनिंग ईजी था, जीके तो देखो गाइज अगर जिसने पढ़ा है थोड़ा बहुत वो करके आ गया होगा, लेकिन मैथ के क्वेश्चन जैसा कि स्टूडेंट्स के रिव्यू आए हैं मेरे पास, तो मैथ थोड़ा सा टिफिकल्ट, यानी कि कह सकते हैं कि हाँ हर एक क्वेश्चन हम अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, गो थ्रू नहीं हो पा रहे थे मैथ के क्वेश्चन को लेके, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की तो सब 80+ 75+, यानी 80+ क्वेश्चन अगर एवरेज में बात करूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं तो 85+ भी अटैम्प्ट किए, 90+ भी अटैम्प्ट किए, लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूँ तो 80+ स्टूडेंट्स ने 80+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने गाइज। जैसा कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो गाइज जैसा कि आप लोग सोच रहे हो ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी कि यार 70 चली जाएगी, 80 चली जाएगी, गाइज नहीं, हर बार ऐसा होता है, हर बार का सिनेरियो ऐसा होता है, हम जब एग्जाम दे के आते हैं हमें लगता है कि यार कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, कट ऑफ तो बिल्कुल फाड़ देगी, नहीं ऐसा नहीं होता गाइज। मैंने इतने सारे एग्जाम्स का प्रोस्पेक्ट देखा है, इतने सारे एग्जाम्स को रिव्यू किया है, तो मुझे पता है कि किस तरह से क्या कट ऑफ का सीन रहता है। और जैसा कि मैंने अब तक अपनी वीडियो में कट ऑफ के बारे में बताया है, तो गाइज अब तक मैंने बहुत सटीक चीज़ों को बताया है पूरा एनालिसिस करने के बाद, आज भी मैं वही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एनालिसिस करके। तो देखो, पहला तो अगर मैं जनरल के लिए बात करूँ तो देखो, अगर किसी स्टूडेंट ने 80+ क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किए हैं, 82 83, तो एवरेज अगर मैं मान के चलो तो 15 20 12 to 20, नॉर्मल से नॉर्मल 12 से 15 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत होते ही होते हैं, चाहे आप कितना ही इजी से इजी पेपर कर लो। तो मैं इन जनरल बात करूँगा, बहुत ज़्यादा इसको लेंथी ना करते हुए वीडियो को, तो बहुत ज़्यादा लेंथी ना करूँ, तो जनरल की कट ऑफ 68 to 72 आप कम से कम मान के चलिए, ठीक है। 68 से 72 के समथिंग आप कट ऑफ मान के चलिए। ओबीसी का जरूर आप थोड़ा सा कम कर लीजिए 65 से 68 के बीच में, और थोड़ा सा अपन कम कर सकते हैं कोई 1-2% का, जैसे 64 से 68 अपन मान सकते हैं ओबीसी का, इससे ज़्यादा कट ऑफ या इससे कम मुझे नहीं लगता जाने वाली है। हाँ थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस, जो स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस वालों को फायदा हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा 62 to 65 के समथिंग चला जाएगा, और एससी का कट ऑफ भी आप इसी के अप्रोक्स देखोगे 62 to 65। और अपन क्या कहते हैं एसटी की बात कर लेते हैं, एसटी की बिलो 60 जाएगा अपन नहीं कह सकते। एसटी का सीन ऐसा होता है, कई बार तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, एससी से भी ऊपर चली जाती है, कई बार एसटी की बिल्कुल ही कट ऑफ डाउन चली जाती है, तो हम इसका बहुत अच्छे से आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा है, जितना रिव्यू लिया है, उतना बिलो 60 कट ऑफ बताने मुझे लगता है, बिलो 60 है, 58 to 61 के समथिंग कट ऑफ रहने वाली है एसटी की। तो इस तरह से कट ऑफ का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आप कोशिश ये भी कि जो भी गैस पेपर या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर डाला है यूट्यूब पे या जिन्होंने भी डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने क्वेश्चंस को आप हाईलाइट मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है और हम क्या क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है। हालांकि मैं भी कराता हूँ मेमोरी बेस्ड पेपर, लेकिन ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम मैं नहीं करा पाया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कट ऑफ के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपके लिए दे देता हूँ। तो ये कट ऑफ का आइडिया रहने वाला है गाइज, तो अच्छे से अपने कट ऑफ को लेके और अपनी चीज़ों को लेके श्योर हो जाइए कि क्या आपके साथ रहने वाला है, क्या आपका केजीएमयू का सपना पूरा होने वाला है। मैं तो चाहूँगा जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से जिन्होंने वाकई हार्ड वर्क किया है, वो केजीएमयू को लेके अपने आप को एक नई उपलब्धियों तक
कायम रखें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।